कॉमेडियन कपिल शर्मा ने जब साल 2013 में पहली बार अपना कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू किया था तो इसमें उन्होंने ऐसे कॉमेडियंस को शामिल किया जिनके पास उस वक्त काम नहीं था। सुनील ग्रोवर, अली असगर, उपासना सिंह, चंदन प्रभाकर, कीकू शारदा, सुमोना चक्रवर्ती जैसे टैलेंटेड कॉमेडियंस को उन दिनों कोई संभल कर जानता भी नहीं था, लेकिन कपिल ने इन कॉमेडियंस का टैलेंट पहचान कर उन्हें अपने शो में जगह दी। इसके बाद भी कपिल अपने शो में अलग अलग तरह के कॉमेडियंस लाते रहे, इनमें से कुछ पाकिस्तान से भी आए थे। इस शो ने इन कॉमेडियंस को इतनी शोहरत दी कि एक एक एपिसोड से इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन दोस्ती के बीच पड़ी एक दरार ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। सुनील ग्रोवर से ऑस्ट्रेलिया टूर पर लड़ाई होने के बाद कपिल का सब ने साथ छोड़ दिया सिवाय कीकू शारदा के। आज हम आपको इस वीडियो में कपिल शर्मा शो के उन कॉमेडियंस के बारे में बताएंगे जिनके पास आज ना ही काम है और अब वो इधर उधर से अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। सबसे पहले बात करते हैं अली असगर की। अली ने कपिल के शो में कभी दादी बनकर लोगों को हंसाया तो वो कभी नानी बनकर लोगों के दिलों में उतर गए। अली ने पहले भी कई शोज और फिल्मों में काम किया था, लेकिन सही मायने में उन्हें पहचान कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से मिली। सुनील से लड़ाई के बाद अली ने भी कपिल का साथ छोड़ दिया। इसके बाद अली और सुनील एक शो कानपुर वाले खुराना जी में नजर आए, लेकिन ये शो नहीं चल पाया। आज की डेट में अली के पास कोई काम नहीं है, वो बस जैसे तैसे अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। अली के जैसा ही हाल कपिल के शो में बुआ का किरदार निभाने वाली उपासना सिंह का भी है। उपासना भी कई फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन लोग उनकी शक्ल तो जानते थे लेकिन किसी को उनका नाम नहीं पता था। उन्होंने कपिल के शो में आकर ही अपना नाम कमाया। कपिल के शो की बदौलत ही उपासना को अच्छा काम मिलने लगा। अब उपासना कभी कभार हिंदी और पंजाबी फिल्मों में नजर आती हैं, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू गिरने से उन्हें ज्यादा फीस नहीं मिलती। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब उनका गुजारा करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप में से कई लोगों ने नसीम विक्की को पहली बार कपिल शर्मा के शो में देखा होगा। नसीम पाकिस्तानी कॉमेडियन है और वहां बहुत पॉपुलर है। कपिल का शो भारत के अलावा पाकिस्तान में भी खूब देखा जाता था, इसी वजह से नसीम ने इस शो से बहुत कमाई की। दोनों मुल्कों के बीच बिगड़े हालातों की वजह से नसीम को यह शो छोड़ना पड़ा। इसके बाद नसीम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस शो को छोड़ने के बाद उन्हें काम नहीं मिला और वो दाने दाने को मोहताज हो गए। कपिल शर्मा को अपना बड़ा भाई मानने वाली कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से की। इसके बाद सुगंधा कई कॉमेडी शोज में नजर आई, लेकिन उन्हें असली पहचान द कपिल शर्मा शो से ही मिली। सुनील से लड़ाई के बाद सुगंधा ने भी कपिल से दूरी बना ली, लेकिन ऐसा करना सुगंधा पर ही भारी पड़ गया। सुनील के नए शो में सुगंधा नजर आई, लेकिन उनका काम नहीं बन पाया। आज की डेट में सुगंधा के पास कोई काम ही नहीं है। फिल्मों में गोल्डन भाई यानी रज्जाक खान ने कई फिल्मों में जबरदस्त रोल निभाए। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। अपने अंतिम दिनों में रज्जाक ने कपिल शर्मा के साथ काम किया। कपिल उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। साल 2016 में रज्जाक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रज्जाक ने कपिल के शो से अच्छी खासी कमाई की थी, लेकिन आज उनका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। फिल्मों और टेलीविजन पर छोटे मोटे रोल करने वाले नवीन बाबा ने भी द कपिल शर्मा शो में काम किया। वो कभी कभी कपिल के शो में नजर आते थे, लेकिन उस छोटे से रोल के लिए उन्हें मोटी फीस मिलती थी। सुनील और कपिल की लड़ाई के बाद नवीन सुनील की टीम में शामिल हो गए और उनका वही हाल हुआ जो सभी बाकी कॉमेडियंस का हुआ। आज उनके पास कोई काम नहीं है। इन सभी कॉमेडियंस में सबसे अच्छी कमाई सुनील ग्रोवर ने की। उनके हाथ में आज भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सलमान से लेकर टाइगर श्रॉफ तक बड़े बड़े एक्टर्स के साथ सुनील काम कर चुके हैं। सुना ये भी जा रहा है कि सुनील और कपिल के बीच अब सुलह हो गई है। लॉकडाउन के बाद दोनों साथ नजर आएंगे। फिलहाल सुनील और कपिल की लड़ाई में कई ऐसे कॉमेडियन पिसकर रह गए जो वाकई में टैलेंटेड थे। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताइए। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।